हेलो दोस्तों, NIS वन ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको NIS का जो वन ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग नाम का कोर्स होता है उसकी सारी डिटेल्स दूंगा, कितनी इसकी टोटल फीस है, कितने गेम्स में ये कोर्स आप कर सकते हैं, हर गेम में कितनी सीट्स है, रजिस्ट्रेशन की फीस क्या होगी आपकी, कोर्स की फीस क्या होगी आपकी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें आज वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, जो कि इस समय चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 18 अगस्त 2021। 18 अगस्त 2021 तक आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है www.nsnis.in पर जाकर। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होगी आपकी 1500 रुपीज़। इसके अलावा दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन करते टाइम अगर कोई टेक्निकल इशू हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस कोर्स की डिटेल्स बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब कौन लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी ए जो कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, कैटेगरी बी जो नेशनल या स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, और कैटेगरी सी ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हों। इंडिया में जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनसे बिलोंग करते हों, ये कैटेगरी सिर्फ उनके लिए है। अब वन बाय वन तीनों कैटेगरीज की मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ। पहले बात करते हैं हम कैटेगरी ए की। कैटेगरी ए के अंदर आप देख सकते हैं दो सब डिविजन है, कैटेगरी ए फर्स्ट और कैटेगरी ए सेकेंड। ये दोनों ही कैटेगरीज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हैं। इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 10+2 होनी चाहिए, मतलब 12th क्लास आपने मिनिमम कंप्लीट कर ली हो, और स्पोर्ट्स अचीवमेंट में आपने या तो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो, या सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो, या फिर आपने एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के लिए मेडल लेकर के आए हों। इसके अलावा अगर कैटेगरी ए सेकेंड की बात की जाए तो इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 है, लेकिन इसमें स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो है वो सिर्फ पार्टिसिपेशन है नीचे दिए गए किसी भी 5 इवेंट में, जैसे कि ओलंपिक गेम्स में या सिर्फ पार्टिसिपेशन हो, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिर्फ पार्टिसिपेशन हो, एशियन गेम्स, सीनियर एशियन चैंपियनशिप्स में सिर्फ पार्टिसिपेशन हो, कॉमनवेल्थ गेम्स, सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप या यूथ ओलंपिक्स, इनमें से किसी में भी सिर्फ पार्टिसिपेशन हो और 10+2 आपने पास कर रखा हो तो भी आप एलिजिबल हैं इस कोर्स को करने के लिए। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो कैटेगरी ए फर्स्ट और कैटेगरी ए सेकंड है, इन दोनों कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, इन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो अगर इनमें से किसी कैटेगरी में आप आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आती है एलिजिबिलिटी के अंदर हमारी कैटेगरी बी। ये सबसे मेन कैटेगरी है, मोस्टली 80-90% स्टूडेंट्स इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। कैटेगरी बी के अंदर दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए मिनिमम। किसी भी स्ट्रीम में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। कैटेगरी बी नेशनल या स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। इसके अंदर चार क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ए बी सी डी। क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंग आपने या तो किसी मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हो, या क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग आपने पार्टिसिपेट किया हो या तो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में, या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में। और कैटेगरी बी के अंदर क्राइटेरिया सी है, आपका 2 times पार्टिसिपेशन हो रिकॉग्नाइज्ड जूनियर या यूथ नेशनल चैंपियनशिप में, या इंटर सर्विसेज इंटर रेलवेज चैंपियनशिप में, या ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में, या आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नाम था उसमें 2 times पार्टिसिपेशन किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। और कैटेगरी बी के अंदर जो क्राइटेरिया नंबर डी है वो स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। वो स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने सीनियर स्टेट चैंपियनशिप में मेडल जीता हो और साथ में उन्होंने NIS 6-week सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रखा हो, तो वो स्टेट लेवल के प्लेयर्स भी NIS का 1 year डिप्लोमा कोर्स करने के एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने स्टेट लेवल पर 2 times पार्टिसिपेशन किया है सीनियर स्टेट चैंपियनशिप में और उसके साथ 6-week सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेनिफिट दिया जा रहा है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने NIS का 6-week सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैटेगरी बी था जो कि मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स कैटेगरी बी के अंदर ही आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी सी की। कैटेगरी सी भी ग्रेजुएशन बेस्ड ही होती है और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स के लिए है, यानी इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी सी के अंदर 3 क्राइटेरिया हैं, क्राइटेरिया ए बी सी। क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंग आप मेडल विनर हो नॉर्थ ईस्ट गेम्स में, या आपने 2 times पार्टिसिपेट किया हो नॉर्थ ईस्ट गेम्स में, या आप अगर कैटेगरी बी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो
कैटेगरी सी वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाते हैं अगर वो बी वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता दी है, मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए कैटेगरी बी और सी के लिए, और कैटेगरी ए और बी का मैंने बता दिया है 10+2 होनी चाहिए। तो दोस्तों ये डिटेल में मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया है, मतलब कौन कौन NSNIS का 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं एज आपकी होनी चाहिए बिटवीन 21 to 35 ईयर्स, 21 साल से 35 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, 21 साल से कम भी नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज़्यादा भी आपकी एज नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट तक, मतलब रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 18 अगस्त 2021, तो 18 अगस्त तक आपकी जो एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि SC ST या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, या कोई एक्स आर्मी सर्विसमैन है उसको भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, या वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन जैसे कि ओलंपियंस या एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड कप्स वगैरह वगैरह, इस लेवल के किसी भी टूर्नामेंट में किसी कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है तो उन्हें भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज के अंदर। मतलब 40 साल की एज तक ये जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं NIS का 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं टोटल सीट्स की। अगर आपको NIS का 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स करना है तो उसमें टोटल कितनी सीट्स हैं और कौन कौन से गेम्स में हैं, तो देखिए इसमें मैं आपको गेम्स की लिस्ट भी दिखा दूंगा कौन कौन से गेम्स होते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, इस साल NIS में 24 गेम्स के अंदर आप ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। कौन कौन से गेम्स हैं और किस गेम में कितनी सीट्स हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं आप जिस गेम के अंदर आते हैं उस गेम में टोटल कितनी सीट्स हैं। टोटल मिलाकर 725 सीट्स हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो 725 टोटल सीट्स आपको दिख रही हैं सब गेम्स की मिला करके, ये कैटेगरी बी और सी के लिए हैं, लेकिन कैटेगरी ए के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए हर गेम में 4-4 सीट्स अलग से रिजर्व हैं। ठीक है, तो वो सुपर न्यूमेरी सीट हैं, सिंपल सीट्स नहीं हैं। ये जो मैं आपको 725 दिखा रहा हूँ ये सिंपल सीट्स हैं, ये कैटेगरी बी और सी के कैंडिडेट्स के लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको टोटल सीट्स के बारे में भी बता दिया है कौन से गेम में कितनी सीट्स हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल फीस की। अगर आपको NIS का 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स करना है तो आपकी टोटल फीस कितनी होगी, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपकी टोटल फीस होगी 40,800 रुपीस इंडियन कैंडिडेट्स के लिए, और अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हैं तो आपकी टोटल फीस होगी 69,800 रुपीस। ठीक है, डिटेल फीस स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है किस किस चीज की आपकी टोटल फीस होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी टोटल फीस, और रजिस्ट्रेशन फीस मैंने आपको पहले ही बता दी है 1500 रुपीस होगी, वो इनसे अलग है। तो ये मैंने आपको फीस के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की, जो कि है सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर आपको NIS 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग में एडमिशन लेना है तो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो ये देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर 8 चीजें आती हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि 10 मार्क्स की होंगी, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स मतलब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 20 मार्क्स के, आपका एक वर्चुअल इंटरव्यू होगा मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कहीं भी इंटरव्यू हो सकता है आपका, गूगल मीट पर या जूम वगैरह कहीं भी, वो भी 10 मार्क्स का होगा। आपका स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स थियोरी टेस्ट जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे 25 मार्क्स का होगा, जनरल नॉलेज थियोरी टेस्ट इसमें भी MCQ आएंगे 10 मार्क्स का होगा, लॉजिकल रीजनिंग और कोचिंग एप्टीट्यूड इसमें MCQs आएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इसमें MCQs आएंगे ये भी 10 मार्क्स के होंगे, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से MCQs आएंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। तो इन्हें मिलाकर टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं, और इन 100 मार्क्स के बेसिस पर एक फाइनल मेरिट तैयार होगी, और उस फाइनल मेरिट में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं का सिर्फ नाम होगा और वो फाइनली एडमिशन ले पाएंगे। अब इन सभी के बारे में वन बाय वन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, जो कि आपकी 10 मार्क्स की होंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपने BPED कर रखा है या फिजिकल एजुकेशन से अलग किसी दूसरे सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने MPED कर रखा है या MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स कर रखा है तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आपने MPhil या PhD कर रखा है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में तो आपको पूरे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स। अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। सेकंड है स्पोर्ट्स अचीवमेंट, मतलब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर आपको कितने कितने मार्क्स मिलेंगे।
तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं चार कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी है उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया हो, या वो सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल विनर रहे हों, या गोल्ड मेडल विनर रहे हों एशियन गेम्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में। इन कैंडिडेट्स को पूरे 20 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरीके से जिन स्टूडेंट्स के पास सेकेंड कैटेगरी वाले कोई सर्टिफिकेट हैं उन्हें 15 मार्क्स, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 10 मार्क्स मिलेंगे उन कैंडिडेट्स को जो थर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, और सिर्फ 5 मार्क्स मिलेंगे उन कैटेगरी को जो कि फोर्थ कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये स्क्रीन पॉज करके आप देख सकते हैं, इनमें से अगर किसी भी लेवल का आपके पास कोर्स सर्टिफिकेट है तो आपको इसका भी बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट की। दोस्तों जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें 5 टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि मैंने ऊपर आपको दिखा दिया था। इन 5 टॉपिक का आपका सिलेबस क्या होगा, तो देखिए सिलेबस आपके सामने है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। इजीली आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी इन सभी टॉपिक्स पर, इंटरनेट पर भी आपको बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों प्रीवियस ईयर रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट जिस तरीके का हुआ था, सेम सिलेबस पिछले साल भी था, ऐसा ही सिलेबस इस साल भी है। तो पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन आए थे वो जरूर देख लीजिएगा अगर आपको मिल जाए। मेरे पास 5 अलग अलग गेम्स के पेपर्स हैं जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो उन्हें भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि NIS का पिछले साल एंट्रेंस का पेपर किस तरह से आया था। ठीक है दोस्तों, सिर्फ 5 ही मुझे मिल पाए थे, बाकी अदर गेम्स के मुझे नहीं मिल पाए। लेकिन अगर आप अदर गेम्स में भी आते हैं तो भी आपके लिए वो पेपर्स हेल्पफुल होंगे, क्योंकि 25 मार्क्स से अलग बाकी सब कुछ तो सभी के लिए कॉमन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको आपके रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट की डिटेल्स बता दी हैं, मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, मैंने प्रीवियस ईयर रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बता दिया है। वो आपको जरूर देखना है मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो गेम है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल नहीं है, आप सबको देखने हैं सारे पेपर्स, क्योंकि पेपर पूरा कॉमन है, सिर्फ 25 मार्क्स का अलग है। वो आपका खुद का गेम है, उसकी आप अपनी अलग से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको एक जनरल आइडिया तो लग ही जाएगा कि अदर गेम से भी कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, आपका जो रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट होगा वो किस तरीके से होगा। तो दोस्तों रिटर्न टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन सेंटर्स पर आपको जाकर अपना टेस्ट देना होगा। टोटल 29 सेंटर्स हैं, इनमें से जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको चॉइस दी जाएंगी कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होगी, सेकेंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी, इस तरह से आपको चॉइस दी जाएंगी। तो आप अपनी चॉइस फिल कर दीजिएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इनमें से जो भी आपके घर के सबसे पास हो उसे ही फिल करिएगा। इसके अलावा एक अच्छी बात और है, फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए 2 इंटरनेशनल टेस्ट सेंटर्स भी बनाए जा सकते हैं इस बार, बांग्लादेश में और नेपाल में, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स NIS के इस कोर्स में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ भी इस बार सेंटर्स हो सकते हैं। वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस समय आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, वहां फिल कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई दोस्तों रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट की। उसके बाद क्या होगा, अगर आपके इन सभी में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन के बाद दोस्तों आपका एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसमें आपके 5 टेस्ट आइटम्स कराए जाएंगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तो ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो स्टूडेंट वहां पर क्वालिफाई करने में फेल हो जाएंगे, उन्होंने अगर एंट्रेंस टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया है तब भी उनका एडमिशन नहीं होगा, तो ये टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है दोस्तों। इसके लिए आपको सेंटर पर बुलाया जाएगा, किस तरह से बुलाया जाएगा, किस डेट में बुलाया जाएगा, उसके बारे में फर्दर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे फाइनली। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है NIS 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग से रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का आंसर जरूर करूंगा। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।